यो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन गेमिंग में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको 100% हेल्प करेंगे एक प्रो प्लेयर बनने में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है डाइविंग लॉन्गर एंड फास्टर। तो देखिए, जैसे मैं ये जा रहा हूँ आपका कैनियन में, यहाँ देखिए ये बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन मैं ये जल्दी और लंबे सफर को कैसे तय करता हूँ। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको डाइव करते हुए डाइव करना है, जिसके वजह से आप जल्दी और ज्यादा देर तक ट्रेवल कर पाएंगे। जैसे कि पहुंच गया हूँ कैनियन, ये अपना दूसरा टिप्स काम आता है जो है ओवरलुक का। यहाँ आपको आपके स्क्वाड के लिए बहुत लूट मिल जाएगी। यहाँ आपको हर तरह के गन स्कोप मिल जाएंगे, और अगर आप कंकड़ा पुश कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन आपको कितने सारे लूट मिल जाएंगे आपके स्क्वाड के लिए, और आप किसी भी मैच को हारेंगे नहीं, सारे मैच आपके ही मुट्ठी में होंगे। देखिए मैं ये जगह दिखा दे रहा हूँ आपको, जूम करके यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको, यही जगह है। देखिए कितने सारे घर है यहाँ पे, जहाँ पे भी आप देखिए नीचे भी घर है, आप हर जगह लूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पहले एनिमीज आते नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई फाइट भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप कंकड़ा पुश कर रहे हो तो यहाँ पे 100% आइए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको हर जगह का यहाँ पर वो मिल जाएगा, वो सब लूट मिल जाएगा जो आपके आपके स्पॉट को बहुत जरूरत मिलेंगे और बहुत अच्छा होगा। अपना तीसरा ट्रिक है लो डैमेज इशू। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉट को हेडशॉट और कितने सारे बॉडी शॉट मारे, तभी उसको बहुत ज्यादा बुलेट्स यूज करने पड़े मुझे इसको मारने के लिए। तो यहीं पे अपना तीसरा ट्रिक है, आपको अपना लो डैमेज इशू ठीक करने के लिए आपको अपना एम एस एस जो हाई पे रहता है उसको आपको मीडियम करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, हाई हैवी से मीडियम करना पड़ता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा गोली आपके सिर या चेस्ट के ऊपर लगेगा, और जब हैवी रहता है तब सारे गोली पेट की तरफ लगता है, जिससे डैमेज कम होता है और किल लो डैमेज इशू होता है सबको। तो अगर आप इसको हैवी से मीडियम कर ले तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, और आपको उतना बुलेट फेस भी नहीं करना पड़ेगा एक बॉट या एनिमी को मारने के लिए, और आपको किल भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको मैं ये फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या करना है इसके लिए। आपको सिंपली अपने सेटिंग्स में जाना है, मीडियम से हैवी करके, हैवी से मीडियम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो देख लीजिए आपको ऐसे ही करना है, मीडियम पे रखना है एम एस एस को, ताकि आप जल्दी से किसी को भी मार सके। और चौथा टिप है अपना सेंसिटिविटी। देखिए ये मूवमेंट जो बहुत स्पीड कर रहा हूँ मैं, इसका भी एक टिप से आपको सेंसिटिविटी में जाना है, हाई करके दिखा देना आपको, जो कैमरा सेंसिटिविटी है उसको आपको 100% कर देना, जिससे आपका मूवमेंट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा और आप किसी भी एनिमी को कभी भी कैसे भी मार सकते हैं। तो अब अगर सेंसिटिविटी का बात कर दिया है, तो अगला ट्रिप जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्लोज सेटिंग्स। क्लॉक खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रो प्लेयर को, ताकि वो प्रो बन सके। तो ये है सेटिंग्स जो एक क्लॉक प्लेयर के लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके लिए बहुत इजी है ये क्लॉक स्टेप्स, मैंने बहुत इजी बना के रखा है, ताकि आप कभी भी इसको नॉर्मली कोई भी प्लेयर यूज कर ले, और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, ये बहुत इजी है सीखने में। तो अगर आप ये सेंसिटिविटी और क्लॉक सेटिंग यूज करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत जल्दी एक प्रो प्लेयर बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस मेरे सारे अच्छे लग रहे हैं, जो अभी तक मैंने बताया है, सारे टिप्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे एक अच्छा सा कॉमेंट नीचे दे दीजिए, जिससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। यहाँ आप देख लीजिए मीडियम असिस्ट की वजह से पारा गोली रहते हुए ये बॉट मर गया। तो अपना अगला टिप है गन सिलेक्शन। गन सिलेक्शन एक प्रो प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। गन सिलेक्शन में आपको एक मीडियम रेंज और एक क्लोज रेंज का गन रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M4 या स्कारेल के साथ AKM रखें, और AKM और M4 स्कारेल इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो अपना आठवां ट्रिक है जोन प्रिडिक्शन। आप जहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको थर्ड हिल सेंटर हिल, यहाँ पे ही जोन बनता है हर बार, 100% में से 90% जोन यहीं पे बनेगा। तो आपको एक जोन प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि जोन यहीं पे बनेगा,
तो आप यहाँ पे आके ये ब्रिज के पास ब्रिज कैंप कर सकते हैं, जो पबजी लाइट में अक्सर कोई बंदे नहीं करते और कोई बंदे एक्सपेक्ट भी नहीं करते जो आप करेंगे, जिससे आपको फ्री कैंप बहुत सारे किल मिल जाएंगे और आप बहुत सेफली जोन के अंदर भी रहेंगे और बाहर से आने वाले बंदों का जोन भी काट सकेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मीडिया मैसेज करने के बाद से ऑटो हेडशॉट जो मैंने डिस्क्लेमर में लिखा था वो कैसे हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे पिक करके इस बंदे को मारा और ये सीधा हमारा कैसे है और हेडशॉट, और ये मीडियम एसिस के वजह से ही हुआ है। और देख लीजिए एक और बंदा जो यहाँ पे रुका था, इसको भी कितना आसानी से मार दिया, ये हुआ सेंसिटिविटी क्लॉ सब के वजह से। और अगर आपका लेग प्रॉब्लम होता है तो सिंपली रिपोर्ट में जाइए, गेम इज चॉपी करके कर दीजिए, यही अपना दसवां ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम लेग प्रॉब्लम। पबजी लाइट में ये लैग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो रिपोर्ट करके ये भी चॉपी कर देने से आपका कोई लैग नहीं होगा। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एक प्रो प्लेयर बनने में हेल्प करेंगे वो आपको बहुत पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही ज्यादा गेमिंग वीडियोस पाने के लिए। तो गाइस आप जरूर ये टैक्स यूज करेंगे, मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले ये पिक्स आपको कितना हेल्प किया आपको प्रो प्लेयर बनने में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।